नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। आपको देख करके अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम लोग ऐसी जगह हैं जहां चारों तरफ झाड़ झंखाड़ है, और हम लोग भारत के लोगों की बात भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे भारत का अंतिम गांव बसा है। उस गांव की कहानी, उस गांव की हकीकत, उस गांव की जो भी विकास की गाथा होगी या विनाश लीला होगी, वो सब आपके सामने हूबहू वैसे ही सच्चाई के साथ लेके आएंगे जैसा कि हम अक्सर करते आए हैं। और इस यात्रा में हमारे दो सहयात्री हैं, इनका परिचय आपसे करा देते हैं, फिर आगे की कहानी आपको दिखाते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जंग हिंदुस्तानी है और मैं वन अधिकार कानून के मुद्दे पर यहाँ पर काम करता हूँ, कतरनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र में। आपका परिचय? मेरा नाम सरोज कुमार गुप्ता है, मैं वन अधिकार समिति जो है उसका अध्यक्ष हूँ, और वन में जो रहने वाले हैं जिनको अधिकार मिलता है उसका मैं सत्यापन करता हूँ या लोगों की बात शासन तक पहुँचाता हूँ। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग सर्वाधिक दूरस्थ क्षेत्र जो भारत नेपाल सीमा पर, ये कह लीजिए कि बहराइच जनपद का प्रथम गांव है, बूथ संख्या एक भी है, भरतापुर जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इन्हीं दुर्गम रास्तों से। अभी देखिए नदी पार करके एक आए हैं नाव से, और अब इन्हीं दुर्गम रास्तों से जहां पे हो सकता है जंगली जानवर भी हो सकते हैं, सारे खतरों को मोल लेते हुए हम लोग चलते हैं आपको भारत की कहानी भारत के लोगों तक पहुँचाने। तो भैया एक नदी पार करके और दुर्गम रास्तों से चलते चलते अब हम पहुंचे हैं दूसरी नदी की तरफ, और ये दुर्गम रास्तों से बहुत ही मतलब ख़राब रास्ते हैं यहाँ के, इन्हीं रास्तों से चल करके हम नाव तक जाएंगे और आगे की कहानी भरतापुर की अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको और वहाँ की सारी सच्चाई आप तक पहुँचाएँगे। तो भैया देखिए किसी तरह से हम लोग खतरा मोल लेते हुए यहाँ पर आए हैं, नाव पे, दूसरी नाव पे चढ़ गए। डॉक्टर साहब कितनी दूर है यहाँ से भरतापुर? अब यहाँ से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर? हाँ। वो तो पैदल जाना या नाव पहुँचा देंगे? ऐसे ऐसे पगडंडी से ही जाना होगा। पैदल पैदल? हाँ। 6 किलोमीटर? 6 किलोमीटर जान जानी तय है, क्योंकि चारों तरफ जंगली जानवर, खूंखार जंगली जानवर, हाथियों का झुंड रहता है। इतना जंगली जानवर नहीं है, कुछ हाथी मिल सकते हैं, मिला तो चटनी बना, और गैंडे भी इस एरिया में रहते हैं। गैंडे भी? जी। तो छोड़ेंगे नहीं अगर मिल जाएंगे तो? नहीं, वो अपना काम करेंगे, आप लोग अपना काम करेंगे। तो भैया जिंदगी मालिक के हवाले, भारत के लोगों की बात भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए जान का खतरा मोल लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। और चलिए, जरा भी डर हो पत्रकारिता ना करे। अच्छा, पत्रकारिता तो प्रतिपल मौत से लड़ने का ही दूसरा नाम है। डॉक्टर साहब हौसला दे रहे हैं जान देने के लिए। चलिए आगे दिखाते हैं। तो भैया फाइनली नदी के पार आ चुके हैं, और डॉक्टर साहब हैं और एक और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, सरोज गुप्ता जी। सरोज गुप्ता जी, और इन्हीं जंगलों से होकर के अब हम लोग जाएंगे। अब यहीं से देख लीजिए कितना घना है और कितना डरावना लग रहा है एंट्रेंस पे ही। जिसकी शुरुआत ऐसी हो उसका अभियान अगर हम लोग अंदर चलने का ये शुरू करेंगे तो फिर उसका अंजाम और आगाज़ जो है बहुत ही मज़ेदार है, रोमांचक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो भैया हम पहुंच चुके हैं भरतापुर गांव, और ये भारत का आखिरी गांव है नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ, और इस गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। पूरी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड अगर किसी को कहा जा सकता है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में यही वो जगह है। क्या कहते हैं सर आप? हाँ बिल्कुल, ये दो तरफ जंगल से घिरा हुआ है और दो तरफ नदी से घिरा हुआ है, और यहाँ दो नदियों का एक संगम भी है। एक तरफ से कौड़ियाला नदी आती है, दूसरी तरफ से गिरुआ नदी आती है। तो इधर पीछे जो देख रहे हैं वो कतरनिया घाट का जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है,
और अभी हम लोग जिन रास्तों पर चल करके आए हैं वो रास्ता लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग यहाँ पर आकर के पहुँचे हैं। 6 किलोमीटर अब हम लोग भरतापुर गांव में इस समय पहुँच चुके हैं। कितने की आबादी है इस गांव में? यहाँ लगभग 400 लोगों की आबादी है और परिवार अगर देखा जाए तो 125 के आसपास परिवार हैं और इसमें सभी ज़्यादातर OBC हैं, ST के परिवार भी हैं, SC भी हैं। तो ये काफ़ी पुराना गांव है। 1834 के मैप में देखेंगे तो आपको भरतापुर नाम का गांव उसमें दिखाई पड़ेगा। 1834 जी। और उससे भी पुराने मैं सर बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे छायाकार महोदय उल्टे चल रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप जो यहां के घर वगैरह हैं उस पर फोकस बनाए रखें और हम लोग आपस में बात करते हुए चल रहे हैं। आप चारों तरफ के जो भी आवास वगैरह हैं कैसे इनका रहन सहन है वो सब दिखाते चलें, हम लोग बातचीत करते हुए चल रहे हैं। तो 1834 में ये गाँव रिकॉर्ड में है जी। उस समय बहराइच एक स्टेट के रूप में हुआ करता था। अच्छा, वो सभी मैप मैंने बहुत सारे जो ब्रिटिश इम्पीरियल लाइब्रेरी है उससे मैंने निकाला और मैंने देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि बताइए भरतापुर इतना पुराना गांव है। उस वक्त रिकॉर्ड में लोगों की संख्या मेंशन थी? नहीं, संख्या नहीं, केवल भरतापुर उनके जो अपने लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में भरतापुर लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा हुआ था। तो और ये जब ये राजाओं का स्टेट था तो उस समय शुरुआत में ये पूरा जो क्षेत्र था वो रैकवार राजा बलभद्र सिंह के अंडर में आता था, चहलारी से जुड़ा था। बाद में जब 1857 में जो युद्ध हुआ बेगम हजरत महल और अंग्रेज़ों के बीच में उसमें उन्होंने साथ दिया। तो जब 1858 में वो शहीद हो गए ओबरी आलापुर बाराबंकी में तो उनके स्टेट पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इसके बाद इस पूरे जंगल को उन्होंने दो लोगों को दे दिया जो अंग्रेजों के पिट्ठू राजा हुआ करते थे। एक राजा कपूरथला जो पंजाब के थे और एक राजा नानपारा। तो आधा जंगल राजा नानपारा को दे दिया और आधा कपूरथला के राजा को दे दिया। कपूरथला के राजा का मुख्य उद्देश्य शिकार करना होता था, उसके लिए उन्होंने ज़्यादातर जंगल हथियाए थे और जब शिकार करने और इसके बाद में धीरे धीरे जब ख़त्म हो गया तो जाते समय उन्होंने जो जमुनहा के राजा करम सिंह और हीरा सिंह थे उनको ये जंगल दे दिया। तो उसके बाद में उस टाइम तक ये भरतापुर काफ़ी बड़ा और समृद्धशाली गाँव हुआ करता था। आवागमन के क्या यही रास्ते थे जो अभी भी मौजूद हैं? जो आवागमन जो अभी जिन रास्तों पर आप आए हैं वही रास्ते हुआ करते थे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इधर नदी का कटान हुआ है इस काफ़ी दूरी तक क्षेत्र था और 1103 हेक्टेयर जमीन इसकी भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत ली गई। तो आप मान सकते हैं कि जिस गाँव में 1103 यानी 2725 एकड़ जमीन इतने बड़े पैमाने पर उसमें गई है धारा 20 के तहत तो कितना बड़ा गांव रहा होगा। तो अपने आप में भी आप धीरे धीरे ये नदी के कटान की वजह से सिमट रहा है और तमाम तरह के जो पुराने बनाए हुए वन कानून हैं उनके तहत ही सिमटाव आ रहा है। और अभी गांव जब इस क्षेत्र में आवागमन के मार्ग नहीं है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, अभी जी अभी देखिए यहाँ गांव में मेडिकल की टीम आई हुई है ना, जिला प्रशासन की तरफ से आई हुई है जी, वहीं से आई है ना। तो ये मेडिकल का कैंप यहाँ पे लगा है और गांव वालों को दवाई वगैरह यहाँ पे दिया जा रहा है जिसकी जैसी तबीयत वगैरह ख़राब है ना जी। तो ये क्या हमेशा रहता है या नहीं? इस तरह का चीज़ तो आप गांव वालों से पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रशासनिक सुविधाएं जो भी हैं, चाहे शिक्षा की सुविधाएं हों और चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की सुविधाएं हों, ये सुविधाएं मतलब लगातार नहीं चल सकती। उसका कारण है आवागमन का साधन मुहैया नहीं होने के कारण इनके साथ ये दिक्कत है। कोई महिला गर्भवती होती, चलिए आप यहीं पे रहिएगा, हम कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप इसी गांव की हैं? कभी कोई औरत अगर गर्भवती होती है, बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसको अस्पताल ले जाना हो तो कैसे जाती है? सुजौली ले जाते हैं सर। कैसे ले जाते हैं? अरे कहीं मुंशी जी की बुलाई लीन गाड़ी। आ जाइए थोड़ा बाहर आइए।
तो उनसे कहीं चिरौरी बिनती कहीं तो वही पहुँचाई दी। अच्छा, यहाँ से कतनिया तक, यहाँ से कतनिया बाजार तक। हाँ। और फिर वहाँ से दो बार नदी पार करना है। उधर से आ जाते गाड़ी तो सजोली पहुँचाई दिए थे तब जा करके। हाँ। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी को ले जाते किसी महिला की मृत्यु हो गई हो, मर गई हो कोई महिला? अभी ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ। तो ये लोग जो मेडिकल टीम अभी आई है कब कब आती है? ये महीने में आती है, हफ्ते में आती है, कब आती है? ये तीन बार आ चुकी है यहाँ। तीन बार? हाँ। कब से, कितने समय में? ए, जब से डीएम आई हुई है तब से। अच्छा, मोनिका जी। हाँ, मोनिका रानी जब से आई हुई है तब से आई है। अच्छा, जब से मोनिका रानी आई है यहाँ की डीएम बनके। हाँ। तो इस गांव में आई थी भरतापुर में? हाँ हाँ, भरतापुर में आई थी, घर घर घूमी थी, हम लोग साथ में उनके घूमी थी। अच्छा। हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? उन्हें लोगों ने अपनी समस्याएं बताई तो क्या कहा? कहा लगे कि हम लोग तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। तब से ये टीम आ रही है, उसके पहले नहीं आते थे? उसके पहले नहीं आई थी, कभी नहीं आई थी। आए हैं, चल इनको नहीं पता, इनकी उम्र थोड़ा सा कम है, आपकी ज्यादा है। आई थी पहले ना? बाद आए हैं। आठ साल बाद? एक साल बाद, कभी दो साल बाद। एक साल बाद या कभी दो साल बाद? हाँ। यानी यहाँ का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार मान के चलती है, स्वास्थ्य विभाग मान के चलता है। हाँ। यहाँ के लोग एकदम चुस्त दुरुस्त हैं, एक साल में बीमार नहीं पड़ेंगे, दो साल में बीमार नहीं पड़ेंगे। अरे बीमारी तो भैया हरदम लाग रहा थे इस टाइम। अच्छा। तो बहुत बीमारी है, तो तीन बार हाली हाली लोग आए हैं दवा बांटने। अच्छा। हाँ जी, का अच्छा भवा नहीं ठीक भा, फिर ले गए बाहर दवा। तो भैया लोग तीन बार बहुत जल्दी जल्दी, पहले साल साल दो दो साल में। हाँ, आते थे ना? हाँ, या नहीं आते थे? नहीं, आवत रहे हैं, आवत रहे साल। हाँ, दो साल में आवत रहे। हाँ, अब जब से डीएम साहब आई हैं तब से तीन बार हो गए। यानी ये डीएम साहब ठीक हैं? ठीक हैं, अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, काम तो भैया अच्छा। अब हम लोगन कहा हटाए दें दया करके, हटावे खातिर का कहीं नहीं, कहीं नहीं कि यहाँ जल्दी करवाए। कितना टाइम दें? एकाती का गहन तक बताई नहीं। कार्तिक का गहन? हाँ। कार्तिक का गहन हम लोग जंग हिंदुस्तानी साहब से पूछ लेंगे क्या है। ठीक है, आप ही के देखरेख में ये कैंप चल रहा है? डॉक्टर साहब उधर गए हैं, डॉक्टर साहब ये बात। बस मुझे वो एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी, अधिकांश यहाँ पे मरीज किस रोग के आ रहे हैं, उनको क्या हुआ है? ज़्यादातर पेट वाले आ रहे हैं, ज़्यादातर जिसका पेट गड़बड़ है, जैसे एक्जिमा है, खजुली है, और यही है। यहाँ का पानी मैंने भी पिया है, मुझे उसका टेस्ट ठीक नहीं लगा, तो क्या पानी एक मुख्य कारण हो सकता है इसका? जी हो सकता है सर, पानी की वजह से ही पेट की बीमारी जी, और एक्जिमा खुजली वगैरह त्वचा की बीमारियाँ जी, यही है ना जी। तो ज़्यादा संख्या किसकी है, महिलाओं की, पुरुषों की या बच्चों? दोनों की बराबर है। बराबर है जी। कितने लोगों को अब तक दवाई दिया है आपने? देखें सर, 65 लोग दे चुका हूँ। 65 लोगों जी। खुश हैं गांव वाले? हाँ सर। आप लोग तो खैर सेवा का कार्य कर रहे हैं, आप लोग खुश हैं ऐसे लोगों की सेवा? हाँ सर, एकदम खुश हैं। खुश हैं? एकदम खुश। बाकी रास्ते बहुत अच्छे हैं? हाँ ठीक सर, इसलिए क्या किया जाएगा, मौत के मुंह में मौत के मुंह से होकर आना पड़ता है। अब हम लोग डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जंग हिंदुस्तानी साहब से। ये बताइए, सारी बातें हो गई, एक अच्छी महिला जिनके अंदर, मैं तो कहता हूँ कि अगर जिसको दूसरों का दुख देख करके दर्द होता हो, उसको भगवान ने इंसान बना के गलती नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे मोनिका रानी इंसान है, बाकी उसके बाद सारी चीज़ें, उनको दर्द महसूस हुआ यहाँ के लोगों का, तब जा करके एक मतलब उनके आने के बाद तीसरी बार यहाँ पे कैंप चल रहा है, वरना कभी दो साल, कभी तीन साल, कभी एक साल। यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये कि राशन गांव में आकर के वितरण होना शुरू किया, पहले नहीं होता था। नहीं, यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर ये लोग जाते थे, फिर वहाँ से लाते समय जब वहाँ से लौट करके आते थे तो रास्ते में हाथियों का हमला होता था। सही बात है, 16 किलोमीटर दूर जाया कराता है, 16 किलोमीटर दूर जाया कराता रहा है, बिश्नापुर गल्ला बटत रहा है, एक लड़का लिया अवत रहा है, मैं साथी पटक दी उसका, सब मार डरिस, गल्ला उल्ला सब छितरा दी। अच्छा। हाँ। तो जब से ये डीएम साहब आई हैं तब से यहाँ पे राशन मिल रहा है? तीन बार यहाँ हुई गवा, तीन बार यहाँ हुई गवा। हाँ, गल्ला। डीएम साहब ठीक हैं? अब ठीक तो दिखा थे, ठीक मैंने, इनके ट्रांसफर बहुत जल्दी होते हैं। हाँ। है ना? हाँ। तो लगा था कि जायज पहले सब काम दुरुस्त कराए जाइए ना आप लोग के। अब भैया सोची तो यह है, हम लोग विश्वास करें हम कि डीएम साहब कर दे हैं हमारे लोगन की सहायता। सहायता कर देंगे। हाँ, अब देखो उनकी मर्जी। मर्जी तो है उनका। हाँ। इच्छा शक्ति तो दिख रहा है। हाँ। तभी तो यहाँ पे टीम आ रही है आप लोगों का स्वास्थ्य का हाल चाल लेने के लिए। हाँ। कि कोई बीमार है कि नहीं है। हाँ। राशन मिल रहा अभी बैठे बैठे। हाँ।
अच्छा काम तो कर रही हैं। अच्छा काम तो कर रही हैं। यहाँ का दिक्कत है, चारों तरफ तो बढ़िया है, पेड़ पल्लो सब लगा है। इतनी मुसीबत है भैया। क्या की मुसीबत? ऐसी जाए तो नदी, ऐसी जाए तो नदी, और बाढ़ आ गए तो उधर नाव बूढ़ जाए तब आफत है, हवा आ जाए नदी में है तो आफत है। दो दो दिन हो जाए तो भोजन नहीं हो पावो थी गाँव वाले। अच्छा, जब उधर रह गए तो राशन अबे नहीं किस घरे तो बच्चा का खाए ले। समस्या है, समस्या बहुत बड़ी है। अच्छा, हमने सुना है कि रात में यहाँ हाथी का झुंड आता है, आप लोग जाग जाग करके वो पटाखा उठाखा छोड़ के भगाते हैं उसको? हाथी, बाघ, गैंडा, तीन जानवर आ जाते हैं। अच्छा, मैं ये बताओ, चुनाव चुनाव पता ना जमा वोट देवा जाते? हाँ, पता का है ना? पता है ना? हाँ। वो मशीन उसीन लागत थी ईवीएम वाली, तो वोट लेवे खातिर नेता आवत है वैसे देखे भाले आवत है कि ना? अरे आवत है नेता लोग, पहले ना आ जाते हैं। अब जो हमारे लोगों के मुसीबत सुन ले तो धन्य भाग। सुनत है कि ना? अब देखो हटाए दें गांव तो जानो सुनत है। अच्छा, हम लोग बहुत परेशान हैं, जमीन तो सब कट गए, पाँव रखे के नाई है। अब चावल आटा नमक तेल सब बहरे से तो खरीद के आवत है, इधरों नदी कौन उपाय करा जाए? कौन उपाय ना है। गाँव के कोई और है आदमी? अच्छा, आप हैं, आप ही लोग से बात कर लेते हैं। गांव के ही हो आप लोग? गांव के हो। अच्छा, ये बताओ पढ़ाई कहाँ की आपने, यही स्कूल में? हम तो सर पढ़ाई बहुत पहले के राजदेव मास्टर के समय में। अच्छा, इसी स्कूल में? नहीं, स्कूल इधर लगता था जंगल के बाजू में, जो फील्ड दिख रहा है। कितना दूर है यहाँ से? बस यहाँ से जस्ट बाजू में है। बाजू में जी। कितने तक का है? क्या है, सरकारी स्कूल तो 5 तक है। अच्छा। और वो प्राइवेट था तो 7-8 तक पढ़ाते थे। उसके बाद अगर आगे पढ़ना हो तो यहाँ कोई स्कूल नहीं? कोई स्कूल नहीं। दूसरा बड़ा स्कूल अगर 9वीं-10वीं कक्षा की मैं बात करूँ, 11वीं-12वीं अगर करना हो तो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से सिर्फ गिरजापुरी जाना पड़ता है, यानी नदी दो दो बार पार करना पड़ेगा और 7 किलोमीटर का जंगल पार करना पड़ेगा, तब जाकर के और आगे भी जाकर के आपको जंगल मिलेगा। गांव के ए साइड में जाओगे फिर भी नदी पड़ेगी, इधर जाओगे कतरनिया घाट पे फिर भी जंगल पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर जंगल पार करके जाना पड़ता है। तो नेता होता नहीं आते हैं आप लोग के गांव में? आप लोग अपनी समस्या बताओ कि हमारी समस्या दूर करो। नेता जब इलेक्शन आता है तभी उस पीरियड में आते हैं, उसके बाद में फिर तो आ गया है इलेक्शन। हाँ, तो अभी इलेक्शन आएगा तब नेता लोग आएंगे, उसके बाद में कोई नहीं आता। वोट लेके चले जाते फिर कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। चलिए भैया, नेता लोग आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, फिर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि नेता जी, अब मैं क्या कहूँ नेताओं के बारे में, झूठ बोलना जिनकी आदत में शुमार हो, वो जब घर से निकलते हैं सफ़ेद कुर्ता पजामा धोती पहनकर, तो उनका एक ही काम होता है, वादे 100 करेंगे लेकिन पूरा कोई नहीं करेंगे। वोट ले लेते हैं, वोट ले करके सरकार बना लेते हैं और कहते हैं कि विकास करेंगे, वही विकास भारत के लोगों की बात भारत के लोगों तक पहुंचाने हम आए हैं। नेता लोग आते हैं, वोट ले कर चले जाते हैं, और ये कब से तड़प रहे हैं यहाँ के लोग? एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि इस गाँव में क्या कभी आपके गाँव में विधायक या सांसद आए हैं? कोई देखा है विधायक को, सांसद को? विधायक सर यहाँ की सारी वोट लेके उन्होंने वादा किया था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के आपकी मदद करूंगा। वोट लेने के बाद हम आता है ना ये बलहा में। हाँ। सोनकर विधायक है हमारे वहाँ की, एक बार भी उन्होंने यहाँ नहीं आया है। और भाजपा की विधायक है? जी जी। और आप भाजपा के कार्यकर्ता है? जी जी, मैं तो हूँ सर, है ना। तो सांसद जी हमारी मतलब कई मीटिंगे लिए हैं, मदद करते रहे यहाँ आके। अब देखिए, जैसे मैंने कहा भाजपा के कार्यकर्ता, वैसे आपके सुर बदल गए? नहीं सर। हाँ। सुर नहीं बदले। जैसे कि ईमानदारी से बताइए, अभी तक आपने कहा कोई नहीं आया था जी। यहाँ मतलब सांसद जी कतरनिया घाट सेंटर में आए थे, कतरनिया घाट सेंटर नहीं, भरथापुर जहाँ के लोगों का वोट लेते हैं सर, नहीं वहाँ कोई नहीं आया जी। और सोनकर तो एक बार भी जो है वोट लेने के बाद एक भी समस्या गाँव वालों की नहीं लिया उन्होंने। पिछली बार आपने बताया था कि लोगों का वोट भाजपा को दिलवाते हैं हम जी, लोगों को कन्विंस करते हैं, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता है, तो लोगों का काम क्या नहीं करवाते हैं आप सर? तो इस बार में तो काम हो रहा है सर। कहाँ काम हो रहा है? मैं सर लखनऊ गया था। ये डीएम की देन है, ये जो देख रहे हैं हम सर, वो डीएम की डीएम की सर देन नहीं है। हाँ। मैं योगी दरबार गया था। अच्छा सर, हमने कागज दिए वहाँ। अच्छा, योगी जी के पीओ मिले थे। हाँ। हमने कागज दिया, बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ, मेरी ये समस्याएं हैं। अच्छा, तो उन्होंने हमारे कागज ले लिए थे, उन्होंने बताया आप इतनी दूर से आए हो, इसके ऊपर मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। अच्छा
सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ जी चलिए ठीक है, वो सख्त कार्रवाई कितनी हुई ये भी जान लेते हैं। इसी गांव के हैं आप? हाँ जी। अंगूठे में स्याही लगी दिखाइए जरा, इधर दिखाइए। राशन लिया है? राशन लिया आपने? हाँ, कितना लिया है? यूनिट के हिसाब। कितना यूनिट है? 5 किलो। 5 लोग मतलब 5 यूनिट है? नहीं, 1 यूनिट। 1 यूनिट 5 किलो पूरा मिला है? नहीं। कितना मिला? 1 किलो कट जाता है। 1 किलो कट जाता है जी। वो किस लिए काटते हैं आप? ये तो नहीं पता है किस लिए काटते। अरे डकैतो बेशर्मो, शर्म से डूब मरो कि गरीबों का हक खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। चुल्लू भर पानी हो, चुल्लू भर में, यहाँ तो कहूंगा पास में नदी है उसमें जाके डूब के मर जाओ। गरीबों का हक खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? 1 किलो अनाज लेकर के आखिर तुम कौन से राजा हो जाओगे, लेकिन इनका हक खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? कब से ऐसा हो रहा है? ये हाथ नीचे करिए। हाँ, ये कब से नहीं है, बहुत दिन हो गया। हमेशा ऐसे ही 1 किलो 2 किलो गायब कर देते हैं यूनिट के पीछे। हाँ, कर देते हैं। तो डीएम साहब आए थे, बताया नहीं आपने? बताया है। क्या कहा उन्होंने? वो कहा पूरा हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। पूरा हो जाएगा फिर भी नहीं हुआ। हाँ चलिए, तो भैया यही दशा है यहाँ की। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, विस्थापन की बात कब से चल रही है? विस्थापन की बात तो 2014 से चल रही है। काम कितना हुआ उसमें? अभी काम कैसे होगा जब इसके लिए कोई कानून नहीं है? एक नियमावली बनी है, उत्तर प्रदेश पुनर्स्थापन नियमावली। उस नियमावली के तहत इन लोगों के पुनर्स्थापन के लिए बात चल रही है, लेकिन उसमें जो दो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प एक ये कि हम इनको, पहले 10 लाख था, फिर 15 लाख हुआ कि हम 15 लाख रुपये दे देंगे, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है कि इनको शुरुआत में टोकन मनी के रूप में कुछ रुपया दिया जाएगा, इसके बाद में साल में एक बार जब पुनर्स्थापन समिति की जिले पर बैठक होगी तब ये अगर जमीन खरीदेंगे तो जमीन की रसीद लगाएंगे तो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, शादी करेंगे तो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, मतलब एकमुश्त रकम नहीं मिलेगी। तो वो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि दूसरा विकल्प ये है कि इनको जो ज़मीन दे दी जाएगी उस पर 35% जमीन के निर्धारण का खर्च हो जाएगा, 5% प्रोत्साहन राशि इनको मिलेगी अपना सामान ढोकर के ले जाने में, सामुदायिक अधिकारों के लिए 20% ले लेंगे। तो और एक साथ काहे नहीं भुगतान हो रहा है? नहीं, एक साथ भुगतान हो, ये वहाँ पर उन लोगों का ये मानना है कि अगर हमने इनको एक साथ भुगतान दे दिया तो ये पूरे पैसे का दुरुपयोग कर लेंगे और राजा बन जाएंगे, राजा आके लखनऊ में फ्लैट खरीद लेंगे। हाँ, जो भी है, लेकिन जिनकी समस्याओं को सुलझाया नहीं जा रहा है, उलझाया जा रहा है, इनकी समस्याओं को उलझाया जा रहा है। एक दो अधिकारी अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हैं, अच्छा जैसे मैडम सोच रही हैं, डीएम मैडम अच्छा सोच रही जी, लेकिन चूंकि इस मामले में चिकित्सा विभाग को शामिल कर दिया गया है, PWD को शामिल कर दिया गया है, तमाम अन्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, कई विभाग को शामिल किया गया है पुनर्स्थापन में, सब अलग अलग अपना अपना सुर अलाप रहे हैं। कितनी बार सूची बनी इस गांव की? डॉक्टर साहब मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, बीच में आपको रोक रहा हूँ। बहुत करीब से आप जंगल और जंगल के लोगों को जानते हैं, सारे नियम कानून आपको पता है, जो लोग अधिकारी हैं या नेता हैं उनके काम करने के तौर तरीकों से भी आपको पता है कि कितना काम होगा या कितना करना चाहते हैं। मैं बस आपसे एक लाइन में जानना चाहता हूँ, क्या सरकार की मंशा है, जिला प्रशासन की मंशा है कि भरतापुर के लोगों का पुनर्स्थापन हो? सरकार की मंशा के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे जिलाधिकारी जी की मंशा है कि वो इस क्षेत्र का, इसका विस्थापन हो। और जब भी इसके लिए कभी आपने आवाज उठाई? मैंने शासन में आवाज उठाई, कई बार मैंने पत्र भी लिखा है और मैंने ये कहा है कि अगर विस्थापन हो तो संपूर्ण विस्थापन हो, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी आदमी का अधिकार जिसका भी है, चाहे वो आवास बना करके रह रहा हो, चाहे उसकी खेती की जमीन हो, एक एक व्यक्ति का पूरा अधिकारों का निर्धारण करके और उसके बाद उसका पुनर्स्थापन होना चाहिए और इनको ऐसे जगह पर बसाया जाना चाहिए जहां इनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। अब यहां से लेकर के अगर आप इनको नौबना बसाएंगे तो वो भी एक डूब क्षेत्र है, इनको कौन सा रोजगार वहां पर मिल पाएगा? अगर उसी जगह को चिन्हित किया गया है? हाँ, उसी जगह को चिन्हित किया गया है। अगर इनको जो मिहिनपुरवा में मोतीपुर तहसील है, मोतीपुर तहसील नहीं, मोतीपुर गांव है, उसके बगल की जो खाली जमीन है उस जमीन में अगर इनको बसाया जाता है तो ये आराम से रोजगार पा जाएंगे मिहिनपुरवा में, और वहाँ पर बसाया जाएगा तो पशुपालकों के लिए तो वो ज़मीन ठीक हो सकती है जो भैंस गाय चराने का काम करते हों, लेकिन बाकी लोगों को, ये जितने नौजवान खड़े हैं यहाँ पर,
इन नौजवानों को वहाँ पर कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों भाइयों, क्या नौबना में आपको कोई रोजगार मिलेगा? मिलेगा रोजगार नौबना में? मोतीपुर गांव में अगर इनको भेज दिया जाएगा तो इनको रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा तो इनके पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब इनके बच्चे पढ़ेंगे अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, और जब सेवा करेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो सत्ता से सवाल पूछ लेंगे, और जब सत्ता से सवाल पूछ लेंगे तो जो मठाधीश सत्ता में बैठे हैं उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों का भविष्य सुधरे, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बदले, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके कुछ हासिल कर सकें। इसीलिए सत्ता तो हमेशा चाहेगी, सरकारें तो हमेशा चाहेंगी कि यथावत ऐसी स्थिति बनी रहे। आप जंगल के लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, समिति है, कोई संघ बनाया है आपने, इनके लिए क्या करेंगे अगर इनका पुनर्स्थापन जल्द से जल्द मोतीपुर जैसे जगहों पे नहीं हुआ तो? इसके लिए हम फिर से जो है डीएम साहब से मिलेंगे कि इनका जल्दी से जल्दी विस्थापन, जो भी वो कार्य चला रहे हैं विस्थापन जल्दी, क्योंकि यहाँ वो हालात हैं कि इंसान अभी तो कुछ रास्ता सूख गया है। देखिए अधिकारियों का कुछ का दृढ़ इच्छा शक्ति होता है तो कुछ मोनिका रानी जैसे होते हैं वो काम करके चले जाते हैं अपना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इस तरह के एरियाज से, ठीक है। तो जो सत्ता में आते हैं नेता चुनाव के जरिए, जिनको वोट ये पब्लिक देती है, वो चुनाव कर, अब वो चुनाव फिर सर पे आ गया है, तो क्या मांग करेंगे ऐसे नेताओं से ताकि इनकी आवाज को उठाया जा करके और सरकार से इन मसलों का हल निकाले? नेता तो कहिए मत, हमारा ख्याल है कि मेरा जो है अभी 45 साल की उम्र हो गई, और कोई भी सांसद हो या कोई भी विधायक हो इस जमीन पे आज तक उसके पैर ही नहीं पड़े, तो लाइए उनको। अब ये तो जनता जाने की इकट्ठा हो गए, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग इकट्ठा हो गए तो कोई भी नेता होगा, कोई भी मंत्री होगा, यहाँ आना ही पड़ेगा उसे, लेकिन अगर आप लोग एक हो गए तो ठीक है। आप लोग अगर जाति धर्म में और पार्टी वाइज बटे रहेंगे तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, और हार मान करके आप लोग ऐसे ही वोट दे देंगे, वोट ले करके जीत करके हार करके लोग चले जाएंगे, यही सच्चाई है। जी यही सच्चाई है। मैडम जो जिलाधिकारी मैडम है, उनको लगा कि उन्होंने विजिट किया, वाकई इनका दुख दर्द समझ में आया तो कुछ विस्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन पिछले 10 सालों से यही चल रहा है, अगर इस पर ठोस कदम उठाए जाएँ तो जल्दी से जल्दी इनका वो विस्थापन हो सकता है, ये अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये इनके बच्चे छोटे पढ़ लिख सकते हैं, देखिए स्कूल की भी हालत है ऐसी, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज भी नहीं संभव हो सकता। चलिए सारी चीज़ों पे हमने बातचीत कर लिया, आप क्या सोचते हैं पूरी बातचीत पे भरतापुर के लोगों के लिए क्या होना चाहिए ताकि ये भी अच्छे से मुख्य धारा में शामिल होकर के अपनी ज़िंदगी को बिता सकें, ये भी इनके बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें, इनको भी बेहतर इलाज मुहैया हो सके, ये भी अच्छे से रोजगार कर सकें। साथ ही भरतापुर जिलाधिकारी मोनिका रानी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक बुजुर्ग से हमने बातचीत किया, उनके हाथ में अंगूठा तो लगा था लेकिन 1 किलो राशन गायब हो गया था, राशन वाले डकैतों ने उसे लीन लिया, खा लिया, कच्चा राशन चबा गए, ऐसे लोगों पे भी ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द भरतापुर के लोगों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। हमने भारत के लोगों की बात, भारत के आखिरी गांव के लोगों की बात भारत के लोगों तक पहुँचाने का काम किया है, सत्ता में बैठे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने प्रयास किया है। सत्ता के लोग हमेशा दावा करते हैं, उनकी हर एक स्पीच, हर एक स्टेटमेंट भारत के गरीबों से शुरू होती है, और यही देखिए भारत के गरीबों की यही असली सच्चाई है। क्या कहते हैं आप, क्या सरकार को इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्या इन्हें बेहतर जीवन जीने का हक नहीं है, क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए लोगों पे, लोगों के कानों तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये हमारे देश के लोग हैं, किसी दूसरे देश के लोग नहीं है। 1834 में गजट में है ये गांव, रिकॉर्ड में है भरतापुर गांव, तो सोचिए ना 1834 से जो अस्तित्व में ये गांव है आज उसका ऐसा हाल क्यों हो गया है, तो जल्द से जल्द यहां के लोगों के लिए कुछ बेहतर करें। धन्यवाद।